गुड मॉर्निंग, आप सभी का अपने कॉलेज के जो SBCGCA यूट्यूब चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और लगभग सभी हाई लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये टॉपिक जनरली रहता है। तो आज का जो चर्चा का विषय है वो जनसंख्या और संसाधनों के बीच में परस्पर क्या संबंध पाया जाता है, कैसा संबंध पाया जाता है, इसको लेकर है। और अपन प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि आज का अपना डिस्कशन का टॉपिक जनसंख्या संबंधी सिद्धांत है। जनसंख्या संबंधी सिद्धांतों के अंदर जो जनसंख्या और संसाधन है उनके परस्पर जो संबंध होते हैं उन संबंधों के बारे में निष्कर्ष निकाले गए हैं। यद्यपि बहुत प्राचीन काल से ही जनसंख्या और संसाधनों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन होता रहा है, लेकिन विशेष तौर पर प्लेटो के बाद में जनसंख्या और संसाधनों के बीच जो परस्पर संबंध पाए जाते हैं उनका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन होने लगा। और जो जनसंख्या और संसाधनों के बीच का जो प्लेटो के बाद में जो वैज्ञानिक ढंग से जो अध्ययन हुआ उस अध्ययन को अपन जनसंख्या संबंधी सिद्धांतों के नाम से जानते हैं। एज मतलब समय या युग के अनुसार जनसंख्या संबंधी सिद्धांतों को दो भागों में बांटते हैं। एक पॉपुलेशन थ्योरीज ऑफ क्लासिकल एज, पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ क्लासिकल एज, और दूसरा मॉडर्न पॉपुलेशन थ्योरी। तो देखिए जो पॉपुलेशन थ्योरीज है, पॉपुलेशन थ्योरी जो है उनको दो भागों में अपन डिवाइड करते हैं। एक कौन सी पॉपुलेशन थ्योरीज है, पॉपुलेशन थ्योरीज ऑफ क्लासिकल एज, कौन सी पॉपुलेशन थ्योरीज ऑफ क्लासिकल पीरियड या क्लासिकल एज, चीन सम्मतकालीन जनसंख्या संबंधी सिद्धांत, और दूसरा है दूसरे जो सिद्धांत है पॉपुलेशन सिद्धांत, जनसंख्या संबंधी सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन। मतलब
जनसंख्या संबंधी सिद्धांतों को समय या युग के अनुसार दो भागों में बांटते हैं ताकि अध्ययन में सरलता आ सके। तो अध्ययन की दृष्टि से और समय के अनुसार जनसंख्या संबंधी सिद्धांतों को दो भागों में बांटते हैं। पहला पॉपुलेशन थ्योरीज ऑफ क्लासिकल एज, चीर समकालीन जनसंख्या संबंधी सिद्धांत, और दूसरा मॉडर्न थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधुनिक सिद्धांत। देखिए सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था वो माल्थस ने दिया था, जिसको किस नाम से जानते हैं, माल्थस का जनसंख्या संबंधी सिद्धांत या माल्थसियन पॉपुलेशन थ्योरी या माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। जो माल्थस का जनसंख्या संबंधी सिद्धांत था, यह सिद्धांत उनके समय में सबसे ज्यादा फेमस हुआ था, विश्व प्रसिद्ध हुआ था और पूरी दुनिया ने इस सिद्धांत को एक मत से माना था। लेकिन जैसे ही दुनिया में माल्थस का सिद्धांत आया, उसकी कुछ आलोचनाएं प्रारंभ हुई और आलोचनाओं के साथ साथ अन्य जो डेमोग्राफिक जो साइंटिस्ट थे या डेमोग्राफिक जो ज्योग्राफर थे, जिसको जन आंकिकी वैज्ञानिक या विद्वान कहते हैं, डेमोग्राफिक ज्योग्राफर्स, तो अन्य जन आंकिकी विद्वानों ने भी अपने सिद्धांत दिए। तो माल्थस के सिद्धांत के बाद में क्लासिकल पीरियड में एक सिद्धांत और आया और उस सिद्धांत का नाम है आइडियल और ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, मतलब आदर्श या अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। ये दो सिद्धांत क्लासिकल पीरियड में हैं जो बहुत फेमस हुए, लेकिन इन दोनों सिद्धांतों की आलोचना हुई। उसके बाद में मॉडर्न एज में आधुनिक युग में दो सिद्धांत मुख्यतया आए, एक सिद्धांत बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का जीव वैज्ञानिक सिद्धांत, और उसके बाद में जो फोर्थ चौथा जो सिद्धांत आया दुनिया के सामने जनसंख्या संबंधी, वो सिद्धांत आया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, मतलब जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। इस सिद्धांत को दो अन्य नामों से भी जानते हैं, एक पॉपुलेशन साइकिल जनसंख्या चक्र और एक पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेजेस, पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेजेस मतलब जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं या जनसंख्या विकास की अवस्थाएं। तो देखिए आप, जो मैंने चौथा आपको बताया सिद्धांत, उस सिद्धांत का नाम है पॉपुलेशन ट्रांजिशन
फ्यूज, जनसंख्या परिवर्तन सिद्धांत। इसका दूसरा नाम है पॉपुलेशन साइकिल, जनसंख्या चक्र। और इसी सिद्धांत का तीसरा नाम है पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेजेस, पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेजेस। मतलब जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विकास की विभिन्न अवस्थाएं, या जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, या जनसंख्या चक्र। ये तीन नाम इस सिद्धांत के हैं, जिनमें सर्वाधिक फेमस नाम पॉपुलेशन या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है। क्या नाम है? या पॉपुलेशन लिख दो चाहे डेमोग्राफिक लिख दो, डेमोग्राफिक। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ये इसका सबसे फेमस नाम है। मतलब जनआंकिकी परिवर्तन सिद्धांत, या जनसंख्या चक्र सिद्धांत, या जनसंख्या वृद्धि या विकास की अवस्था है। देखिए, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी वर्तमान की सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है, और आज की तारीख में वर्तमान में जनसंख्या संबंधी सिद्धांतों में सर्वाधिक मान्य, मतलब सबसे ज्यादा एक्सेप्ट कौन सा सिद्धांत किया जाता है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जनआंकिकी या जनसंख्या परिवर्तन का सिद्धांत सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है वर्तमान, जो कि जनसंख्या और संसाधनों के बीच परस्पर संबंधों की व्याख्या करता है। और ये जनसंख्या और संसाधनों के विकास की या वृद्धि की पांच अवस्थाएं बताता है। जनसंख्या वृद्धि की कितनी अवस्थाएं बताता है, विकास की कितनी अवस्थाएं बताता है, ये पांच अवस्थाएं बताता है, और सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत। देखिए, जो जनसंख्या या जनआंकिकी परिवर्तन का सिद्धांत है, इस सिद्धांत का आविष्कार, इसका जन्मदाता कौन है? इसका जन्मदाता है प्रोफेसर सीपी ब्लॉकर। कौन है? प्रोफेसर सीपी ब्लॉकर। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का जन्मदाता या आविष्कारक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया? प्रोफेसर सीपी ब्लॉकर, प्रोफेसर सीपी ब्लॉकर, सीपी ब्लॉकर। प्रोफेसर सीपी ब्लॉकर ने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी या जनसंख्या परिवर्तन के सिद्धांत का आविष्कार किया। सीपी ब्लॉकर को जनसंख्या संक्रमण या परिवर्तन के सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है। लेकिन जनसंख्या परिवर्तन के सिद्धांत में अन्य डेमोग्राफर्स का भी योगदान है,
जिन्होंने अपने विचार दिए, इनमें एक विद्वान का नाम है बर्गडॉर्फर। बर्गडॉर्फर BURGDORFER बर्गडॉर्फर। बर्गडॉर्फर के अलावा एक विद्वान है साइमन, SIMON साइमन। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि या विकास की जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने भी अपनी राय दी, अपने विचार दी। चाहे सिटी ब्लॉकर की बात हो, चाहे बर्गडॉर्फर की बात हो, चाहे साइमन की बात हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र की बात हो, सबने जनसंख्या के विकास या जनसंख्या के विकास या जनसंख्या की वृद्धि की पांच अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई? पांच। कौन कौन सी पांच अवस्थाएं हैं इसको अपन एक डायग्राम के द्वारा, एक चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करें। देखिए, आप एक डायग्राम बनाइए, बनाना आप लोग भी। आप अभी डायग्राम पर समझने की कोशिश करना इसको। एक चौकोर कॉलम बनाते हैं। पांच अवस्थाएं हैं जनसंख्या वृद्धि की या जनसंख्या विकास की, इसलिए पांच कॉलम बनाएंगे इसके। एक, दो, तीन, चार और पांच। 1, 2, 3, 4, 5। यहां आप जीरो लिखेंगे और जीरो लिखने के बाद में नीचे आप लिखेंगे 5 stages of demography, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जनसंख्या परिवर्तन की पांच अवस्थाएं। क्या लिखेंगे? 5 stages of demographic transition, मतलब जनसंख्या परिवर्तन की या विकास की पांच अवस्थाएं। कहां लिखेंगे? ओरिजेंटल अक्ष पे। वर्टिकल अक्ष पे क्या होगा? बर्थ्स एंड डेथ्स। या लिखेंगे बर्थ्स मतलब जन्म एंड डेथ मृत्यु, जन्म और मृत्यु। किस पे लिखेंगे? लंबवत अक्ष पे, वर्टिकल अक्ष पे। जन्म और मृत्यु कितनी, कैसे? तो यहां लिखेंगे प्रति हजार प्रति वर्ष, मतलब प्रति हजार प्रति वर्ष में प्रति हजार पुरुषों या जनसंख्या, प्रति वर्ष प्रति हजार पुरुषों के पीछे कितने लोग जन्म लेते हैं या कितने लोग मरते हैं। तो बर्थ एंड डेथ पर थाउजेंड पर ईयर, पर
थाउजेंड पर ईयर, मतलब प्रति हजार, प्रति वर्ष प्रति हजार जन्म और मृत्यु इस पे, लंबवत अक्ष पे, और इस पे जनसंख्या परिवर्तन की पांच अवस्थाएं क्षैतिज अक्ष पर। अब बात आती है कि अपन दो लाइन बनाते जाएंगे और उन उसको अपन डिस्कस भी साइमल्टेनियसली करते जाएंगे। जो पहली जो अवस्था है, पहली अवस्था के अंदर क्या होता है, हाई फर्टिलिटी और हाई मॉर्टिलिटी रेट होती है, मतलब जन्म दर भी उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है। तो यहां वो डेटा डाल लेंगे, जीरो हो गया, दस, बीस, तीस, चालीस, पचास, साठ। तो देखिए, जब जन्म दर बहुत अधिक होती है और मृत्यु दर भी बहुत बहुत अधिक होती है, मतलब हाई बर्थ रेट और हाई मॉर्टलिटी रेट या डेथ रेट, उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है, कौन सी अवस्था में, पहली अवस्था में। तो ये कौन सी स्टेज हुई है, ये हुई फर्स्ट स्टेज। कौन सी स्टेज है ये, फर्स्ट स्टेज, प्रथम अवस्था, ये प्रथम अवस्था है। इसकी विशेषता क्या है, इसमें हाई हाई बर्थ और या हाई बर्थ मतलब फर्टिलिटी और हाई मॉर्टिलिटी, मतलब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है। और ये कितनी होती है, लगभग 40-50 के बीच में। आप ये पूछ सकते हैं कि जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत या जनसंख्या परिवर्तन के सिद्धांत में प्रथम अवस्था में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों हाई होती है, उच्च होती है, कितनी होती है। तो आपका आंसर होगा प्रति हजार प्रति वर्ष 40-50 व्यक्तियों के बीच में। देखिए 40 यहां 50 यहां, ये मान लो जन्म दर का है और ये मान लो डॉट डॉट में मृत्यु दर का है, दोनों ही बहुत उच्च है। जब जन्म दर भी उच्च होगी मृत्यु दर भी उच्च होगी, दोनों ही बहुत ज्यादा होंगे, तो रिजल्ट क्या होगा, जनसंख्या में जो वृद्धि होगी वो नहीं के बराबर होगी। क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि नहीं के बराबर होती है। और कभी कभी तो देखिए, जैसे मान लो ऊपर वाली रेखा को अपन मानते हैं, ऊपर वाली जो लाइन है इसको मानते हैं बर्थ रेट, बर्थ रेट मतलब जन्म दर को रिप्रेजेंटेट करती है, जन्म दर का प्रतिनिधित्व करती है कौन सी, ये कंटिन्यूअस लाइन। और जो डॉट डॉट की लाइन है ये डेथ रेट को, किसको, डेथ रेट या मॉर्टलिटी रेट को, मृत्यु दर को, डेथ रेट, ये डॉट डॉट वाली लाइन, दोनों ही उच्च होती है, मृत्यु दर जन्म दर दोनों उच्च होती है। और दोनों उच्च होने की वजह से जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वो नहीं के बराबर होती है, क्योंकि जितने लोग जन्मते उतने लोग मर जाते, तो वृद्धि क्या हुई, कुछ नहीं। कभी कभी तो मृत्यु दर जन्म दर से भी अधिक हो जाती है, जैसे महामारियां, इन्फ्लुएंजा या अन्य जो वायरस है जैसे कोविड या प्लेग, ऐसी महामारी या पैंडेमिक हुआ था कि जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई थी। तो इन जो प्रथम अवस्था है जनसंख्या परिवर्तन की, उस प्रथम अवस्था के अंदर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत उच्च होती है, कभी कभी मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो जाती है, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ना तो दूर की बात बल्कि उल्टा घट और जाती है।
और जनसंख्या पर कंट्रोल, जनसंख्या पर नियंत्रण लगभग प्रकृति का होता है। अगर प्रकृति अनुकूल है मनुष्य के तो जनसंख्या बनी रहेगी, स्थिर रहेगी लगभग, न बढ़ेगी न घटेगी। लेकिन अगर मान लो थोड़ी सी भी, अगर मान लो कोई महामारी वगैरह आ गई या विषम परिस्थितियां हो गई प्राकृतिक, तो जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट जाएगी। इसे जनसंख्या परिवर्तन की प्रथम अवस्था कहते हैं। इसमें प्रकृति का पूरा नियंत्रण होता है। मृत्यु दर और जन्म दर 40-50 के बीच में होती है। इस प्रकार की परिस्थितियां विश्व में कहां पाई जाती है? जनसंख्या वृद्धि की जो प्रथम अवस्था है उन देशों में पाई जाती है जिन देशों का विकास बहुत कम हुआ है, जो बहुत पिछड़े हुए हैं। और बहुत पिछड़े हुए देश कौन से हैं? जैसे अफ्रीकन महाद्वीप बहुत पिछड़े हुए, कई देशों में जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट जाती है। इसके अलावा मध्य अमेरिका के जो देश हैं, ग्वाटेमाला, दक्षिणी मैक्सिको, ये बहुत पिछड़े हुए, यहां पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट जाती है। तो जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन की प्रथम अवस्था ज्यादातर अफ्रीकन देशों में, अफ्रीका महाद्वीप के देशों में और मध्य अमेरिका के देशों में पाई जाती है। जनसंख्या वृद्धि की या परिवर्तन की द्वितीय अवस्था कौन सी अवस्था? सेकेंड स्टेज। द्वितीय अवस्था के अंदर क्या होता है कि जन्म दर तो उच्च रहती है, मतलब हाई फर्टिलिटी रेट, हाई फर्टिलिटी रेट या हाई बर्थ रेट। लेकिन जो मृत्यु दर है, मोर्टलिटी रेट भी हाई होती है, मतलब मृत्यु दर भी हाई होती है, जन्म दर भी हाई होती है, लेकिन मृत्यु दर जो है थोड़ी घटती भी उच्च होती है। मतलब यहां मृत्यु दर जन्म दर से भी, जन्म दर के बराबर होती है, उससे भी ज्यादा हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसके अंदर जन्म दर से मृत्यु दर थोड़ी, दोनों उच्च होती है, लेकिन उच्चता की एक सीमा है, उसमें जन्म दर थोड़ी ज्यादा रहती है, मृत्यु दर थोड़ी कम हो जाती है। तो घटती हुई अवस्था में मृत्यु दर होती है, मतलब हाई फर्टिलिटी रेट और मोर्टिलिटी हाई, मतलब मृत्यु दर उच्च बट डिक्लाइनिंग, लेकिन घटती हुई स्थिति। हाई फर्टिलिटी रेट और हाई मोर्टिलिटी रेट, मोर्टालिटी रेट बट डिक्लाइनिंग। उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, लेकिन मृत्यु दर घटती हुई अवस्था। कहने का मतलब मृत्यु दर कभी भी जन्म दर से अधिक नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि जन्म दर उच्च रहेगी, मृत्यु दर भी उच्च रहेगी, लेकिन थोड़ी सी घटती हुई दशा में रहेगी, घटती हुई स्थिति में। हाई फर्टिलिटी रेट, हाई मोर्टिलिटी रेट बट डिक्लाइन, समझ गए? उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, लेकिन मृत्यु दर थोड़ी सी घटती हुई अवस्था में रहती है, जिसके कारण क्या होता है, जनसंख्या पॉपुलेशन में क्या है, वृद्धि होती है, जनसंख्या में वृद्धि होती है। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन का जो नंबर है वो कम नहीं होता है, बल्कि जनसंख्या बढ़ती है। तो जनसंख्या परिवर्तन की दूसरी अवस्था
विशेष तौर पर कहां पाई जाती है? जहां पर जनसंख्या अब निरंतर बढ़ती जा रही है। तो जिस प्रकार अफ्रीका महाद्वीप और मध्य अमेरिका महाद्वीप में जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट जाती है, वहां पर हेल्थ फैसिलिटी, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का विकास हुआ है, फैमिली प्लानिंग का विकास हुआ है, जीवन स्तर में थोड़ा सुधार हुआ है। इसलिए अफ्रीकन कंट्रीज और जो मध्य अमेरिका है उसके देशों में अब हालातों में कुछ सुधार हो रहा है, थोड़े थोड़े वो विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस कारण ज्यादातर अफ्रीकन देश और मध्य अमेरिकन देश अब जनसंख्या परिवर्तन की प्रथम अवस्था से द्वितीय अवस्था के अंदर चले या जाने लग गए हैं या जा रहे हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन या संक्रमण की द्वितीय अवस्था सेकेंड स्टेज कहाँ पाई जाती है? मोस्टली अमेरिकन कंट्रीज एंड जो है मध्य अमेरिकन कंट्रीज या सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। जनसंख्या वृद्धि की तीसरी अवस्था या जनसंख्या चक्र की तीसरी अवस्था या जनसंख्या परिवर्तन की तीसरी अवस्था थर्ड स्टेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करेंगे अपन। अब थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो फर्टिलिटी रेट है मतलब जन्म दर वो हाई रहती है। तो इसमें क्या होता है? हाई HIGH हाई फर्टिलिटी रेट। लेकिन हाई फर्टिलिटी रेट उच्च जन्म दर कौन सी अवस्था में? पहली अवस्था हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी अवस्था की बात करें। हाई फर्टिलिटी रेट या बर्थ रेट और मॉडरेट मोर्टिलिटी रेट मतलब मध्यम मृत्यु दर, मॉडरेट मोर्टिलिटी रेट। उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर की अवस्था को जनसंख्या विकास की या परिवर्तन की तीसरी अवस्था कहते हैं। देखिए गौर करने लायक बात यह है कि जनसंख्या वृद्धि की जो पांच अवस्थाएं हैं उन पांचों अवस्थाओं में तीसरी अवस्था जिसमें उच्च जन्म दर होती है और मध्यम मृत्यु दर होती है, इस तीसरी अवस्था में जनसंख्या में